तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबरटिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बेसिक पार्ट 2, जहां हम देखेंगे कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से हम कैसे सब डोमेन्स को एन्यूमरेट करते हैं एंड व्हाट इज गूगल हैकिंग और आप कैसे अपना खुद का गूगल डॉक्स पब्लिश कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो आइए हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सब डोमेन्स। डोमेन नेम बेसिकली हमारे वेबसाइट नेम्स रहते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com, cybertix.in एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सब डोमेन ही हमारे एक प्राइमरी डोमेन का पार्ट रहता है, जिसे हम चाइल्ड डोमेन्स भी कह सकते हैं। रिमेंबर, हम मल्टीपल सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्राइमरी डोमेन के अंदर। हम सब डोमेन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं, उसे प्रॉपरली नेविगेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी डोमेन है हमारा google.com एंड सब डोमेन्स है उसके clouds.google.com, blogs.google.com, xyz.google.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सब डोमेन्स तो आपने जान लिए कि क्या होते हैं, बट गैदर कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे? सो उसके 3 वेज है: ऑटोमेशन टूल्स थ्रू ऑनलाइन स्कैनर्स और गूगल डॉक्स, जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। तो हम हमारे काली मशीन में आ गए हैं और यहाँ पे हमने 3 टूल्स ओपन किए हैं: सबलिस्ट्रीआर, सब फाइंडर, फाइंड डोमेन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई प्रीफर टू यूज सब फाइंडर एंड फाइंड डोमेन। सो लेट्स गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज। सब फाइंडर -d avil.com, -d मीन्स डोमेन एंड फाइंड डोमेन -t avil.com, -t मीन्स टारगेट। फाइंड डोमेन मल्टीपल APIs को गैदर करके सब डोमेन्स को कलेक्ट करता है। सो लेट अस वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सब फाइंडर ने 54 सब डोमेन्स गैदर किए हैं फॉर avil.com इन 30 सेकेंड्स एंड फाइंड डोमेन ने 25 सेकेंड्स में मल्टीपल सब डोमेन्स ऑफ avil.com गैदर कर लिए हैं एंड इट इज मोर देन 54 सब डोमेन्स। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। तो आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सब डोमेन एन्यूमरेशन के बारे में, जबकि 2 प्रकार के रहते हैं: वर्टिकल एन्यूमरेशन एंड हॉरिजॉन्टल एन्यूमरेशन। वर्टिकल एन्यूमरेशन में हम हमारे प्राइमरी डोमेन के सब डोमेन्स को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, google.com हमारा प्राइमरी डोमेन हुआ और उसके सब डोमेन्स हुए clouds.google.com, blogs.google.com, developer.google.com एक्सेट्रा। हॉरिजॉन्टल एन्यूमरेशन में हम हमारे अदर रूट डोमेन्स को फाइंड करते हैं, जैसे कि youtube.com, adsense.com, जबकि ये गूगल के ही प्रोडक्ट्स है। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपरली विद एन इमेज। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल एन्यूमरेशन में सारे गूगल्स के सब डोमेन्स हैं और हॉरिजॉन्टल एन्यूमरेशन में thinkwithgoogle.com, youtube.com, android.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो गूगल्स के ही प्रोडक्ट है, बट द डोमेन इज डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल एन्यूमरेशन को टेक्निक है कि रिवर्स हुईज किए जा सकते हैं ताकि हमें अदर रूट डोमेन्स मिल सके, और हुईज किया जा सकता है। हुईज इज ए प्रोटोकॉल जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है ऑफ ए पर्टिकुलर डोमेन रजिस्टर्ड। देर इज एन ऑनलाइन टूल दैट इज whois.com। सो लेट्स स्टार्ट विद गूगल हैकिंग। गूगल हैकिंग को हम गूगल डॉकिंग भी बोलते हैं। वो एक ऐसी एक टेक्निक है गूगल सर्च की, जो हम फिल्टर आउट करते हैं, जिससे हमें सिक्योरिटी लूप होल्स मिलते हैं, मिसकॉन्फिगरेशन फाइल्स मिलती है एंड मैनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी होते हैं, और एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है गूगल हैकिंग और गूगल डॉकिंग। सो लेट्स सी सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटर्स, जैसे कि साइट कोलन, जिसमें हम पर्टिकुलर साइट कोलन कोई भी हमारे टारगेट का नाम देंगे तो उसी पर्टिकुलर के साइट्स हमें फिल्टर आउट होके रिजल्ट में मिलेगी। एंड फाइल टाइप में हम कोई भी फाइल टाइप लिखेंगे, जैसे कि .sql फाइल, .php फाइल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी पर्टिकुलर फाइल टाइप की आपको रिजल्ट मिलेंगे। इन टाइटल मीन्स कोई भी पेज, वेबसाइट के पेज में अगर वो पर्टिकुलर टाइटल रहा तो वो आपको रिजल्ट में शो करेगा। इन URL मींस रिटर्न URL इक्वल टू, कोई भी अगर पैरामीटर आपको सर्च करना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे
सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ऑपरेटर जो कि है साइट कोलन और हमारा टारगेट ले लेते हैं सपोज att.com। तो हम देख सकते हैं कि गूगल ने हमें सिर्फ att.com के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, मीन्स साइट कोलन att.com में जितने भी सब डोमेन्स है हमें गैदर करके मिल चुके हैं, जैसे कि forums.att.com और productadvantage.att.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप किसी भी वेब पेजेस पे जाइए जैसे कि 11th 12th आपको att.com के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो हम गूगल को ये बता रहे हैं कि प्लीज़ मुझे att.com के बारे में ही रिजल्ट सर्च करके लेके आइए। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा फाइल टाइप कोलन txt। जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट फाइल देखनी है, अगर किसी में टेक्स्ट में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो हमें उसके बारे में पता चल सकता है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, सो ओपन लिंक न्यू टैब। सब देख सकते हैं v.txt जिसमें समथिंग मतलब लिखा हुआ है सेल सी पैनल ftp। तो हमें आपको उसके टेलीग्राम चैनल्स और समथिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा है। ऐसे ही आप मल्टीपल पेजेस पे आके जाके देख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस वन const.txt। थर्ड हमारा है inurl:login.php। तो मुझे ऐसी वेबसाइट दो जिसमें url में login.php अवेलेबल हो, जैसे कि test.php वलन वेब login.php। लेट्स ट्राई डिफरेंट वन login.php एंड मेनी मोर। आफ्टर दैट हम देखेंगे in:title:index ऑफ। तो हमें जितने भी डायरेक्टरीज ओपन रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इंडेक्स ऑफ मूवीज। हम उसके पैरेंट डायरेक्टरीज में भी जाके देख सकते हैं। कभी कभी इसमें MySQL पासवर्ड फाइल्स और कॉन्फिग फाइल्स भी आपको मिल सकती है। तो इट इज बेटर वे टू फिल्टर आउट बाय यूजिंग दिस in:title:index ऑफ। सो लेट्स स्टार्ट विद गूगल हैकिंग डेटाबेस। गूगल हैकिंग डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ गूगल डॉक्स है जहाँ पे कई सारी ऑथर्स अपने गूगल डॉक्स को पब्लिश करते हैं, जहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहते हैं, सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स है इंटरनेट पे जो लीक कर रही है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू सी प्रैक्टिकली। हम गूगल हैकिंग डेटाबेस में आ गए हैं और हम देख सकते हैं कि कई सारे डॉल्स है, इट इज़ मोर देन 10,000 डेली अपडेट होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से कैटेगरीज भी पब्लिश है कि ये पर्टिकुलर डॉल फाइल्स कंटेनिंग जूसी इंफॉर्मेशन में आते हैं, किसी किसी के में लॉग इन पोर्टल्स है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे ऑथर है कि इस पर्सन ने ये पर्टिकुलर गूगल डॉट को पब्लिश किया हुआ है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई तो हम देख सकते हैं कि ऑथर चिराग प्रजापति, जैसे मैं मैंने टोटल दो गूगल डॉक्स पब्लिश किए हुए हैं। क्या आपको भी गूगल डॉक पब्लिश करने हैं अपने? तो टोटल उसके 3 स्टेप्स है। पहले आपको खुद के गूगल डॉक्स को ओन बनाना पड़ेगा, उसके बाद चेकआउट करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर गूगल हैकिंग डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, जबकि docs@offsite.com पे आप मेल कर सकते हो। फॉर्मेट मैंने आपको दे दिए है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड जय हिंद।